उसने ये नहीं किया, मैंने ये कर दिया, उसने पंखा बंद कर दिया, उसने एसी बंद कर दिया, ये बिल ज़्यादा निकलाया, कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्या इसी को ध्यान बोलते हैं? क्या यही ध्यान का मार्ग है कि बहुत से विचारों को इकट्ठे कर ले हम और फिर उठते ही उनको बाहर निकाल दें, जो भी मिले क्रोध निकाल दें, कि आ आ करके बस शिकायतें करने के लिए ध्यान पे बैठते हो आप लोग? कुछ लोग बोलते हैं कि हम इनको ध्यान पर बैठाने लगे हैं। मैं देखता हूँ कि क्यों, सही है ना ये बात, पूछते हैं। ध्यान पर मैं देखता हूँ आप लोग ही नहीं बैठ रहे, इनको कैसे बैठा सकते हैं? जब स्वयं ही हम ध्यान के ऊपर नहीं बैठ रहे तो साथ वाले लोगों को कैसे ध्यान के ऊपर बैठा सकते हैं? और आपके पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे आप ये जान पाओ कि ये साथ वाला, सामने वाला ध्यान के ऊपर बैठा है या मन को लिए कहीं घूम रहा है? हमें तो बस दौड़ चला दी कि वो 4 घंटे बैठता है, हम 5 घंटे बैठेंगे, लेकिन ये नहीं कि वो कैसे बैठता है, क्यों बैठता है। कई बार क्या होता है, संत लोग कोई किसी को रास्ता दिखा देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी से कुछ मंगवा लेते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, फिर वही रिवाजें बन जाती हैं, वही हमारे पुराने संस्कार बन जाते हैं, उनको हम जीवन से जोड़ करके देखने लगते हैं, खानदान परिवार जात धर्म से जोड़ करके देखने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच है नहीं इस दुनिया में। जितना भागदौड़ मची हुई है, जितना आध्यात्मिक दिख रहा है, उतना संसार आध्यात्मिक नहीं है। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी ने कोई गुरु के पास गया ना गया, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी देव के साथ, शक्ति के साथ, पितरों के साथ, मजारों के साथ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। चाहे घर में ही दीपक लगाता हो। कुछ लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जी ऐसी मेरी लड़के की पत्नी ऐसी आई हुई है कि दीपक तक नहीं लगाती। मैं बोलती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, दीपक लगा दे, दीपक लगा दे। मैं बोलता हूँ कि आप इतना क्यों बोलते हो उसको कि जी वो दीपक लगाएगी तो घर के अंदर देवता आ जाएंगे। अरे ऐसे देवता कैसे आएंगे घर के अंदर? आपने घर को तो युद्ध का मैदान बना दिया। अगर वो दीपक लगा भी देगी इतना ज़बरदस्ती करने से, तो क्या आ गए परमात्मा? क्या प्राप्त हो गए परमात्मा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, ये रास्ता वहाँ आपको ले करके नहीं जाता जहाँ हम ले करके जाना चाहते हैं, जो आप लोगों का लक्ष्य है। लेकिन आप तीर आँख के ऊपर नहीं मारते, आस पास इधर उधर देवों के ऊपर, देवियों के ऊपर, और भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ कुछ हमने रचनाएं कर ली जिनका नाम भी नहीं हुआ। मंदिर में बैठे हुए पुजारी, मैं पूछता हूँ, अरे ये तो देवी थी ही नहीं। उन्होंने कहा, जी हमारा तो गुजारा इन्हीं से चल रहा है, बस अच्छा चल रहा है, बस महाराज कृपा बनी रहे, हमारे लिए तो सबसे बड़ी देवी यही है। क्या बस मात्र इतना अध्यात्म है? क्या यही आप लोगों के रास्ते हैं? क्या इसी से मंजिल पर पहुंचा जाएगा? क्या यही सार है? क्या मोक्ष हो पाएगा? क्या आपके अंदर में ये सवाल कभी पैदा नहीं होते कि हमारे पूर्वज भी वही कर रहे थे, सब कुछ यही अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी,
और पितरों के, कुलदेवों के, कुलदेवियों के आ जा रहे थे और इधर उधर दीपक लगा रहे थे। क्या हो गया उनका कल्याण? क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई? क्या वो जाग गए? क्या उन्हें होश आ गया? क्या उन्होंने अनुभव कर लिया? क्या अपने आप को पा लिया उन्होंने? क्या उनका मार्ग सही था? कुछ लोग बोलते हैं जी सही तो नहीं था, लेकिन क्या करें, बस कुछ ना करने से तो यही भला है। अगर एक कदम भी चलो तो सही मार्ग के ऊपर चलो। अगर सही मार्ग के ऊपर चलोगे तो मंजिल के नज़दीक पहुंचोगे। अगर बहुत कदम चले लेकिन उल्टा चले तो उससे आप मंजिल से दूर जाओगे। मेरा लक्ष्य रीति रिवाजों को तोड़ना नहीं, रीति रिवाजों से दूर ले करके जाना नहीं, लेकिन मेरा लक्ष्य एक ज़रूर है कि हमारे जो जीव हैं वो उस परम तत्व की खोज में लगे, स्वयं की खोज में लगे, उस परमपिता को प्राप्त करें जिसके लिए वो इस संसार में आए हैं। मानव का चोला प्राप्त हुआ है जिसके लिए उन्हें उस तत्व तक पहुंचना है। उन तीनों देवों को हमारे ऋषि मुनियों ने खड़ा कर दिया, उसके बाद जो संतों का आना जाना हुआ उन्होंने फिर राम को खड़ा कर दिया, तीनों के ऊपर राम को रख दिया, फिर तो क्या हाल हुआ है हमारे ग्रंथों का। देवों से देव निकलते चले गए, कभी किसी देव को नया रूप दे दिया, कभी किसी देव को नया रूप दे दिया, कभी संतों को सबके ऊपर बैठा दिया कि इसी से सब कुछ नीचे प्रकट हुआ, कोई और मिला उसने दो कदम उससे आगे रख दिए, नाम के ऊपर नाम जुड़ते चले गए। और सृष्टि के अंदर, ग्रंथों के अंदर जीव इतने फंस गए, यही समझ नहीं आता शिव की पूजा करें, विष्णु की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, देवी की करें, देवों की करें या कुल देवों की करें। बस जहां भीड़ ज़्यादा जाती है, मैं देखता हूं आजकल खाटू नरेश के ऊपर बड़ी भगदड़ मची हुई है कि लोग आते हैं कि खाटू नरेश चले जाएं जी। मैं कहता हूं ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उनके मन देखता हूं, उनके विचार देखता हूं, तो बस वहां जा कर के हमें रील ही बनानी होती है। न साधना होती है, न ध्यान होता है, बस मन के अंदर जो दौड़ चल रही है कि वहां जाने से लोगों के को ये लगेगा मैं बड़े आध्यात्मिक हूँ, हर महीने किसी आध्यात्मिक स्थान के ऊपर जा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, तो बस बड़ा अच्छा इमेज होगी मेरी और थोड़ा स्टेटस ऊपर हो जाएगा, लोग और ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे कि थोड़ा आध्यात्मिक आदमी है, मैं भी उसी को मानता हूँ, ये भी उसी को मानता है, तो कुछ न कुछ लगाव होगा, पुराने जन्मों का हमारा संबंध होगा।